अगर आपका कंप्यूटर पब्लिक है और आपको ये डर लगा रहता है कि कोई आपके डेटा को कॉपी ना कर ले या कोई आपके डेटा का मिसयूज़ ना कर ले, तो इस कंडीशन में आप चाहें तो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड या यूएसबी, इस प्रकार के जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, उन सभी को ब्लॉक करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हम ये काम कैसे करेंगे। दैट इज, अगर कोई आपके सिस्टम में किसी भी प्रकार की पेन ड्राइव या यूएसबी प्लग इन करते हैं तो उनका जो पेन ड्राइव है वो हमारे सिस्टम में डिटेक्ट ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इजीली अपना पेन ड्राइव प्लग इन कर सकते हैं और आपका जो पेन ड्राइव है आप उसे डिटेक्ट भी करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम ये काम कैसे कर सकते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, किसी भी यूएसबी डिवाइस को ब्लॉक और अनब्लॉक करने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले टाइप हियर टू सर्च। यहाँ मैंने प्रेस किया विंडोज आर, और विंडोज आर करने के बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा ब्लॉक पीडी, और ब्लॉक पीडी लिख के क्लिक करेंगे। ओके कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है जिसका नाम है यूएसबी डीबी। इस सॉफ्टवेयर में हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है, एक या फिर हमारे सिस्टम से जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट होते हैं उन सभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं यूएसबी वीडियो डिवाइस, यूएसबी इनपुट डिवाइस जो कि है एचआईडी, जैसे हमारा कीबोर्ड, सैनडिस्क क्रूजर, जितने भी आपके सिस्टम में आज तक पेन ड्राइव कनेक्ट किए गए हैं उन सभी के नाम, उन सभी के सीरियल नंबर, डिवाइस टाइप किस प्रकार का था, क्या वो अभी कनेक्टेड है या नहीं है, ये पूरे स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये आपके सिस्टम से कब कनेक्ट किया गया था, ये पूरी डिटेल्स भी आपको यहीं पर देखने मिल जाएंगी। जैसे हम देख सकते हैं सैनडिस्क क्रूजर ब्लेड के लिए, जो कि मेरा पेन ड्राइव है, ये एक प्रकार का मास स्टोरेज है, क्या ये कनेक्टेड है? नो। सेव टू अनप्लग, ऑब्वियसली यस, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। इस प्रकार से यहाँ अगर हम देखें रजिस्ट्री टाइम, ये है 8 तारीख को शाम 6 बजे, मैंने शाम को 6 बजे अपना पेन ड्राइव प्लग इन किया, तो ये टाइम हम यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगे। अगर हम इसे और स्क्रॉल करते हैं तो ये कौन से ब्रांड का है, क्या कैपेबिलिटीज हैं और ये किस टाइप का, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने मिल जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर अपना एक पेन ड्राइव प्लग इन करता हूँ, प्लग इन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ मैसेज आ चुका है ऑटो प्ले का, और साथ साथ इस लाइन में हम देख सकते हैं कनेक्टेड में स्टेटस हो चुका है यस। अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पर इस पीसी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास यूएसबी ड्राइव ई जो कि अवेलेबल है, दैट इज हमारा स्टेटस भी शो हो रहा है, इट इज़ कनेक्टेड। इसे मैं कर लूँगा रिमूव और स्टेटस हम देख सकते हैं चेंज हो चुका है कनेक्टेड। अब आखिर इस पेन ड्राइव को ब्लॉक कैसे किया जाए, यानी अगर मैं इस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में प्लग इन करूँ तो भी यहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ब्लॉक करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको ऊपर रेड बटन देखने मिलेगा जिसका नाम है डिसेबल सेलेक्टेड डिवाइस, यानी इस डिवाइस को कम्प्लीटली डिसेबल कर दिया जाए। क्लिक करेंगे इस बटन पे, यस। यस करने के बाद मैं अपने पेन ड्राइव को एक बार और प्लग इन कर लेता हूँ, और पेन ड्राइव प्लग इन करते ही हम देख सकते हैं कनेक्टेड यस। बट अगर मैं जाऊँ इस पीसी में तो यहाँ पर हमें वो पेन ड्राइव देखने नहीं मिल रही है। एक बार और ओपन कर लेंगे और इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्रूजर ब्लेड सैनडिस्क कनेक्टेड यस है, बट स्टिल इस पीसी में आपको वो पेन ड्राइव शो नहीं होगी, जिससे कि आपके डेटा को कोई और कॉपी नहीं कर सकता और यूज़र जितनी भी पेन ड्राइव लगा ले वो पेन ड्राइव हमारे सिस्टम में डिटेक्ट ही नहीं होगी। और अगर इसे आपको वापस एक्टिवेट करना है तो आपको फिर से उसे सेलेक्ट करना होगा। अब हम जाएंगे इस ग्रीन बटन पर जो कि है इनेबल सेलेक्टेड डिवाइसेस, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यस, लेट्स इट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे यूएसबी ड्राइव ई, साथ साथ हम देख सकते हैं इस पीसी में यूएसबी ड्राइव ई। तो इस प्रकार से आप किसी भी डिवाइस को, किसी भी पेन ड्राइव को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया रन में जाके और मैंने लिखा ब्लॉक पीडी, बट अगर आप अपने सिस्टम में लिखते हैं ब्लॉक पीडी तो ये सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। इस सॉफ्टवेयर को हम कैसे कन्फिगर कर सकते हैं, आइए अब ये देख लेते हैं, और इसे कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यूज़ करना है, आइए अब देख लेते हैं। तो इस टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा अपने ब्राउज़र में, और यहाँ आपको विजिट करना होगा इस लिंक पे। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर X64 लिखा हुआ है, यानी कि ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अगर आपका सिस्टम 32-bit का है, 32-bit का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा टूल है, क्लिक करेंगे डाउनलोड एंड सेव फाइल। ओके, टूल डाउनलोड हो चुका है, इसे ओपन कर लेंगे, और ओपन करते ही आप देखेंगे यहां पर हमारे पास एक रार फाइल आ चुकी है।
इस रार फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। सिंपली आप राइट क्लिक करें और क्लिक करें एक्सट्रैक्ट फाइल्स ओके ओके करते ही आप देखेंगे यूएसबी डीव्यू इसी नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया और इसे ओपन करेंगे। यहाँ आपको ये टूल देखने मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे सिंपली यहीं से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं चाहते बार बार इस टूल को डाउनलोड करना या फिर बार बार इस टूल को सर्च करना, उस कंडीशन में आप इस टूल का शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया। इसका शॉर्टकट कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आप इसका जो भी नाम देना चाहें, अगर आप इसका नाम यही रखना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं जैसे मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ ब्लॉक पी डी यानी कि ब्लॉक पेन ड्राइव, मैंने इसका नाम चेंज किया, सेव कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे सी ड्राइव में, सी विंडोज सिस्टम 32, और सिस्टम 32 में हमें सिंपली इसे पेस्ट करना होगा, राइट क्लिक करेंगे एंड पेस्ट कंटिन्यू करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइल आ चुकी है ब्लॉक पी डी और अब इस फोल्डर को कर लेंगे बंद। चेक करने के लिए ये काम कर रहा है या नहीं, सिंपली हम जाएंगे टाइप हियर टू सर्च, यहाँ आपको प्रेस करना होगा विंडोज आर और यहाँ हमें टाइप करना होगा जो नाम हमने दिया, क्योंकि मैंने दिया था ब्लॉक पी डी, ब्लॉक पी डी एंड ओके ओके करते आप देखेंगे वही टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ जिसका एक्चुअल नाम है यूएसबी डीव्यू, इस टूल में आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप इजीली इस टूल का यूज़ करके किसी भी पेन ड्राइव को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं और अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, उसके लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि आप सिस्टम को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम कितने बिट का है। थैंक यू।